सब बच्चों को एक प्रोजेक्ट करना होता है यहाँ पे सेवेंथ एट सेमेस्टर के दौरान, यानी कि लास्ट ईयर के दौरान। तो ये पर्टिकुलर एक ग्रुप था, बाकी ग्रुप भी काफी मेहनत करते हैं, लेकिन इस ग्रुप में ऐसा सोचा कि विल डू समथिंग विच विल बेनिफिट द सोसाइटी, जिससे लोगों को कुछ फायदा हो जाएगा। प्रोजेक्ट तो हर एक करता है, लेकिन बट वी शुड डू समथिंग विच इज सोशली एप्लीकेबल। तो इस पे उन्होंने सोचा आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड लुकिंग एट डिफरेंट प्रोटोटाइप्स। अब इनके जहन में ये भी था कि जो काम हम करेंगे दैट शुड बी पेटेंटेबल। तो इन्होंने पेटेंट जो डेटाबेस होती है उसमें भी चेक कर लिया, जो इनका ये आइडिया था कि डिवेलप राइस कुकर, जहां से आप ये बेसिकली स्टार्स को एक्सट्रैक्ट कर ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो दिस वॉज द फंडामेंटली एक चैलेंज था डायबिटिक पेशेंट्स का, इसमें था एक आइडिया कि इट विल हेल्प देम। दूसरा था कि वर्किंग क्लास पीपल दे ऑल्सो गेट, उनको भी ये इश्यू रहता है कि घर पहुंचना है, फिर जाके वो फिर खाना बनाने, मीन्स टाइम वेस्ट होता है। तो दे सेड कि वी कैन ऑपरेट इट रिमोटली, आजकल जमाना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो उन्होंने वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली का कॉन्सेप्ट इसमें डाल दिया। तो एट्थ सेमेस्टर सिक्स से ही मैं इनको पढ़ाता हूँ माइक्रो कंट्रोलर। तो इसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ वही सब्जेक्ट बेसिकली, पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसको अप्लाई करते हैं फॉर टू गेट सम प्रोडक्ट। इन्होंने इन बच्चों ने वो काफी मेहनत कर ली एंड दे केम अप विद दिस प्रोडक्ट विच, जिसकी हमने अभी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर ली। तो होपफुली इट विल बी एक्सेप्टेड बाय द पेटेंट ऑफिस। आप बोल रहे हैं इसको कैसे लाइट वाइट लाएंगे, ठीक है, बल्कि ये खून ही हो तो अमिक मतलब अस बास पाती है कौन इंटरव्यू वीडियो तो ना बात। मेरा नाम जहांगीर हमीद लोन है, मैं बसपुरा श्रीनगर में रहता हूँ। मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो उस्मानिया मॉडल हाई स्कूल से हुई है, और मैंने अपनी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से की है, और करंटली मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। देखिए, जो हमने अपना जो हमने इनोवेशन की है राइस कुकर की, इसको यूज कर सकता है एक हेल्दी इंसान भी, और जो पेशेंट है डायबिटिक पेशेंट, जिनको मोस्ट द टाइम डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि वो राइस जो राइस कुकर का खाना है वो ना खाए। तो हमने वो हमारे लिए एक मोटिवेशन रही थी, क्योंकि जैसे ट्रेडिशनल वे में हम करते थे, हम स्टार्च को बाहर निकालते थे, वो एक मोटिवेट रही थी हमारे लिए, क्योंकि जो वो ट्रेडिशनल वे था वो मोस्ट द टाइम्स डॉक्टर मतलब सजेस्ट करते थे जो पेशेंट्स होते थे डायबिटिक। जो ही हमारा सेवन्थ सेमेस्टर चल रहा था, जब मैं बीटेक कर रहा था, तो उस दौरान हमने थोड़ा माइंड ब्रीफिंग की, जो हमारा एक कलीग था उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो लेट पहुंचता था घर, तो वो एक मोटिवेशन पहुंची, क्योंकि उसका जो शाम का खाना होता था वो तैयार नहीं होता था। दूसरी मोटिवेशन ये भी थी कि जो हमारा एक और कलीग था उसके जो अंकल थे वो डायबिटिक पेशेंट थे, तो ये चीजें हमारे दो चीजें रिलेट हो रही थी, तो वो जो दो चीजें थी उन्होंने हमें मोटिवेट किया। तो हमने ये प्रॉब्लम पहले सामने लाई, उसके बाद अपना सोल्यूशन दे दिया। 2019 से हम इस पे काम कर रहे थे। इसमें मेरे और कलीग्स हैं जिनका नाम है साजिद नूर, जो कि कमरवारी से हैं, और एक और स्टूडेंट है इसमें, इमरान नजीर है, अरीज कोल है, और एक फीमेल स्टूडेंट भी है अजरा हुसैन, और हमारे जो इसमें टीचर रहे हैं सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर बिलाल अहमद मलिक, जो कि टीचर है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। COVID-19 ओपन इनोवेशन चैलेंज हुआ था रिसेंटली 2020 में, तो वो कंडक्ट किया गया था, NIT श्रीनगर ने किया था वो कंडक्ट। तो उसमें बहुत सारी इनोवेशन आई थी रिगार्डिंग वेंटिलेटर्स, तो जो हमने भी अपना एक इनोवेशन दी थी, उसमें हमारा जो वेंटिलेटर था जिसका नाम था ड्यूअल एम्बू बैग रिससिटेटर, जो कि दो पेशेंट्स को हैंडल करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इनोवेशन थी वो टॉप इनोवेशन आई एज मेडिकल डिवाइसेस में, तो हमारा उसमें वो फर्स्ट पोजीशन आ गया था।